अभी मैं आपको इसके इलेक्ट्रिक पार्ट्स वगैरह के बारे में जानकारी दे देता हूँ। ये है कंट्रोलर, ये वर्टिकल का है, ये हॉरिजॉन्टल का है, जो कि आपके हीटर को सप्लाई देता है। तो ये कंट्रोलर इतना परफेक्ट, इतना इंस्टेंट काम करता है कि आप देख सकते हैं ये 155 पर सेट है। तो ये सिस्टम से क्या होगा कि जनरली क्या होता है कि यहाँ पर आप वोल्टेज देख सकते हैं कि ये अप डाउन हो रहा है, तो इसकी वजह से लीकेजेस के प्रॉब्लम आते हैं। लेकिन यहाँ पर ये कंट्रोलर होने की वजह से इसमें लीकेज के जो प्रॉब्लम है वो एकदम 0% हो गया कि आपका वोल्टेज कितना भी अप डाउन हो, लेकिन ये एकदम इंस्टेंट रहता है। मतलब इसको अपन ने जितना सेट करके रखा है ये उसको उतना ही सप्लाई देता है और हीटर उतना ही गर्म होता है। बोर्ड वगैरह आप देखेंगे तो बोर्ड भी एकदम सब ब्रांडेड कंपनी के पार्ट्स वगैरह यूज़ किए हुए हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। प्लस बोर्ड की और आपके कंट्रोल स्विच की सेफ्टी के लिए यहाँ पर MC भी लगा हुआ है कि अगर आपके मेन सप्लाई में किसी भी किस्म का कोई भी फॉल्ट होता है तो MC भी फ़ौरन ट्रिप हो जाता है। इसकी वजह से आपका बोर्ड, आपके कंट्रोल स्विचेस वगैरह सब सुरक्षित हो जाते हैं। यहाँ पर आप मोटर देखेंगे तो मोटर गोदरेज कंपनी की है, ब्रांडेड है। यहाँ पर मोटर को किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, आप मशीन कंटिन्यू 8-10 घंटे चला सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ये गेयर बॉक्स दिख रहा है जो कि इम्पोर्टेंट पैटर्न पे बना हुआ है। ये ऑयल फ्री है, इसमें आपको बार बार ऑयल डाल के लेवल करने की ज़रूरत नहीं है, या एक सीजन हो जाता है तो ऑयल बदलना पड़ता है। यहाँ पर आपको ऑयल बदलने की किसी भी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मशीन में आपकी मशीन आपको अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छी सर्विस दे, तो उसके लिए आपको इसमें ऑयल और ग्रीस का डेली जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर ये जो है वर्टिकल बॉश, यहाँ पे आपको थोड़ा सा रोज़ाना ऑयल डालना है। और यहाँ पर ये जो कैम दिख रहा है आपको अंडा आकार का, तो यहाँ पर थोड़ा सा रोज़ मशीन चालू करने से पहले आपको ग्रीस लगाना है। अभी कंट्रोल स्विच कैसे काम करता है, मतलब अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर आपको सीलिंग के हिसाब से कोई प्रॉब्लम होता है कि आपको लीकेजेस आ रहा है, क्योंकि आपको सिर्फ वन टाइम सेट करना है। अगर लीकेज आ रहा है तो आपको टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, तो उसके लिए ये जो स्केयर वाला की है ये कॉमन है, और ये डाउन वाला आप इससे कम करेंगे तो ये ग्रीन वाला डिजिट जो है कम हो रहा है, आपका ये टेम्परेचर कम हो गया। या सीलिंग किसी भी तरह से या कहीं से भी थोड़ा सा भी कच्चा आ रहा है तो आपको इसी तरह ये स्केयर वाला की है जो कॉमन है, और ये आपके बटन को जैसा आप प्रेस करेंगे ये ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा। दोनों के कंट्रोलर को सेम ऑपरेट करना पड़ता है। मशीन स्टार्ट करना है तो फिल्म लगाने से पहले अपन हीटर ऑन कर देंगे। तो ये हीटर ऑन किया तो ये जो ग्रीन वाला सेट है टेम्परेचर, रेड वाला उतना हो जाएगा तब अपन मशीन चालू करेंगे। अभी हीटर में टेम्परेचर आ रहा है, तब तक अपन अगला इसका काम करते हैं कि ये है रोल का सेक्शन, रोल फाउंडेशन, यहाँ पर आपका फिल्म का बंडल लगता है, तो इसे किस तरह से लगाना है। ये बॉश को आप इस तरह से थोड़ा सा खोल लेंगे, ये स्लू बाहर निकाल लेंगे, उसके बाद में एक बॉश बाहर निकाल लेंगे। अब आपका ये जो फिल्म का बंडल है तो आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आपका जो फिल्म है ये नीचे की तरफ से खुलेगा, और इसको इस तरह से लगा देना। अगर आप इसको उल्टा लगाते हैं तो इससे क्या होगा कि ये जो प्रिंट है ये प्रिंट अंदर की तरफ चला जाएगा, और इसकी कलर की वजह से आपके सीलिंग में प्रॉब्लम आएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि फिल्म जो है नीचे की तरफ से खुलेगा। अब फिल्म के बंडल को आप इस तरह से लेकर इस बॉक्स के ऊपर रख देंगे, और दूसरा वाला जो बॉक्स है वो यहाँ पर इस तरह से इसके ऊपर लगा देंगे। अब ये स्लू लगा देंगे, इससे क्या होगा कि ये आपके फिल्म के बंडल को एक जगह स्थिर रखेगा, इसे इधर उधर सरकने नहीं देगा। अभी आप नीचे की तरफ देखेंगे यहाँ पर 3 ऐसे इसके पाइप लगे हुए हैं, तो आपको यहाँ से फिल्म किस तरह से निकालना है। सबसे पहला वाला जो फोल्ड है वो ऊपर से आएगा इस तरह से, दूसरा जो है नीचे से आएगा,
और तीसरा वाला ऊपर से आकर ये बाहर हो जाएगा इस तरह से। अभी आप क्या करेंगे कि फिल्म को थोड़ा सा बाहर लेकर हल्का सा क्रॉस कटिंग कर देंगे। हल्का सा क्रॉस कटिंग इसके लिए कि अपना जो इसका कॉलर है ये स्क्वायर है। क्रॉस कटिंग करने से क्या होगा कि जब ये फिल्म फोल्ड होना चालू होगा तो ये कॉर्नर पहले बाहर निकल जाएगा, और अगर आपका कट सीधा रहा तो ये दोनों कॉर्नर आपस में टच होंगे, जिसकी वजह से यहाँ से फिल्म को उतरने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। चौथा वाला जो आपका बाहर की तरफ ये जो पाइप लगा है तो इसके नीचे से आएगा, यहाँ से फिल्म नीचे से लेकर आपको ऊपर यहाँ ले लेना है। अब आप क्या करेंगे कि आपकी उंगली की मदद से इसे ऊपर की तरफ गाइड करते हुए नीचे उतारेंगे। ये बहुत आसानी से फिल्म इसके अंदर उतर जाता है। अभी ये कॉर्नर आपका बाहर आ गया था, अभी इसे पकड़ कर नीचे खींच लेंगे। ये चार नीप रोलर जो ब्लैक कलर के दिख रहे हैं यहाँ तक लेना है और इसे इसके अंदर दबा देना है इस तरह से। अभी आपका हीटर का टेम्परेचर आ चुका है। सबसे पहले मैंने दोनों हीटर ऑन किए, ये टेम्परेचर 155 इसका आ चुका है और इसका 171 ये भी लगभग आ चुका है। अब अपन क्या करेंगे कि मशीन ऑन करेंगे। ये मशीन ऑन करने के लिए है, ये मशीन ऑन किया। अभी ये मशीन चालू हुआ, जैसे फिल्म पास हुआ तो पहले आपको थोड़ा सा दो तीन पेप्सी का पन्नी आपका वेस्टेज जाएगा कि क्योंकि ये सील नहीं हुआ था। अब ये सील हो गया, तब आप क्या करेंगे कि फिलिंग ऑन करेंगे, ये बटन नीचे करेंगे, अब इसके अंदर लिक्विड आना चालू हो जाएगा। ये इस तरह से मशीन चालू हो गया। अब मशीन चालू हो गया आपका। यहाँ पर एक स्विच है ऑटो स्टॉप का, इसे आप ऊपर की तरफ कर देंगे तो इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपके बकेट में लिक्विड ख़त्म होगा तो भी मशीन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, या आपका फिल्म ख़त्म होगा तो भी मशीन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। आपको एनी टाइम मशीन के पास में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है।